और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि फोनी तूफान ओडिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पुरी में लोगों को समुद्र तट पर ना जाने की चेतावनी जारी की गई है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से अगले 24 घंटे के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। फोनी तूफान से निपटने की तैयारियों पर पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शामिल हुए। 17 जिलों में रेड वार्निंग जारी की गई है। 8 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और ताज़ा खबर आप देख पा रहे हैं, फोनी तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऊंची लहरें, बारिश और तबाही। फोनी तूफान एक बड़ी मुसीबत बनकर दस्तक दे रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान फोनी जल्द ही ओडिशा के तट पर पहुंचेगा, जिससे समंदर के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। खासकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 19 जिले इससे प्रभावित हो सकते हैं। कल दोपहर से विंड स्पीड 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा और कभी कभी गस्टिनेस में 200 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है। नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ कोस्टल ओडिशा में आज बारिश शुरू हो जाएगा और कुछ इलाका में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 मई की दोपहर को ये तूफान पुरी पहुंचेगा। तूफान के तट से टकराने पर इस तूफान की गति 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 205 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। तूफान के मद्देनजर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की भी संभावना है। येलो वार्निंग जारी हो चुकी है और इससे निपटने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा तटीय जिलों में रह रहे लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। नौसेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। फोनी तूफान के मद्देनजर ओडिशा में आज से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसके अलावा ईस्ट कोस्टल रेलवे की 103 ट्रेन रद्द हैं, 2 ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं। समंदर में लोगों को न जाने की हिदायत दी गई है। नेवी, कोस्ट गार्ड के साथ साथ एनडीआरएफ की 78 टीमें अलर्ट पर। पुरी समेत 11 जिलों से चुनावी आचार संहिता हटा ली गई है। साइक्लोन फनी के लिए हमने 2 जहाज विशाखापट्टनम में रखा है और 2 चेन्नई में रखा है, जो कि इमीडिएटली जाके सपोर्ट और रिलीफ प्रोवाइड कर सके। 4 रेस्क्यू टीम्स, कोस्ट गार्ड रेस्क्यू टीम्स विशाखापट्टनम में हैं और 4 चेन्नई में हैं। इसके अतिरिक्त हमने 1 हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर विशाखापट्टनम में रेडी रखा है और 1 चेन्नई में रखा है। तूफान की वजह से टूरिस्ट को सलाह दी गई है कि वो पुरी छोड़ दें। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भी पर्यटकों को जाने की सलाह दी जा रही है। उधर पिछले 1 साल से मंदी की मार झेल रहे सूरत के कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारियों को फोनी तूफान की आहट से बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हर साल ईद के मौके पर 300 से 400 करोड़ का व्यापार करने वाला सूरत का कपड़ा उद्योग इस आफत से चरमरा गया है। साइक्लोन की वजह से कोलकाता के व्यापारियों ने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। बहरहाल फोनी के मंडराते खतरे के बीच राहत बचाव के साथ साथ एजेंसियां भी हर चुनौती से मुकाबले के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये आपने देखा कि फोनी तूफान का खतरा किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं जीपी शर्मा, जो कि इस क्लाइमेट के मौसम वैज्ञानिक हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहले तो आप ये बताएं कि फोनी तूफान को लेकर क्या खतरा अभी और बढ़ गया है या बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? जी नहीं, तूफान सुबह से लेके अभी तक ये और तेजी पकड़ रहा है। अच्छा, लगभग मैं तो कह रहा हूँ कि जो सुबह के टाइम में शायद अंदाज था कि हो सकता है इसके साथ
हवाएं जो है 150 160 170 किलोमीटर हो, पर अभी तक का उसका अनुमान देख के ऐसा है कि जब भी ये टकराएगा लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की स्पीड उस वक्त होगी। अच्छा, तो बहुत भारी और कुछ क्षेत्रों में उससे भी अत्यधिक भारी वर्षा की ऐसा अनुमान है। और ऐसा है कि ये तट से ज्यादा दूर नहीं है, अभी तो जहां पर हमें इसका लैंडफॉल लग रहा है जैसे पुरी के आसपास होगा, तो वहां से भी केवल मात्र 300 किलोमीटर की दूरी है। पर अगर आप तट की बात करें तो तट से ये मात्र 150 किलोमीटर की दूरी है लगभग, अभी विशाखापट्टनम है अभी। तो कितनी देर में पहुंच सकता है, क्या अनुमान है आप लोगों का? जी कितनी देर में ये हिट कर सकता है? देखिए जो क्रॉस करेगा जिसको लैंडफॉल बोलते हैं वो तो कल होगा, वो कल तो होगा। हाँ जी, पर ज्यादा से ज्यादा है तो कल सुबह के टाइम में, वैसे दोपहर को कह रहे थे, पर जैसे इसकी गति तेज हुई है हो सकता है समय से पहले, जैसे पहले अंदाज लगाया जा रहा था दोपहर के टाइम होगा, तो हो सकता है उससे दो चार घंटे, हो सकता है उससे पहले हो, पर होगा वो कल ही, कल सुबह से पहले तो नहीं। आप एक बार बताएं कि 3 मई को दोपहर के आसपास जब ये क्रॉस करेगा और उड़ीसा में दस्तक देगा, तो उसके बाद इसकी रफ्तार कैसी रहेगी और उसके बाद कौन कौन से राज्य, कौन कौन सी ऐसी जगह होगी जो इसकी चपेट में आएगी? देखिए अभी तो जैसे कहा कि जो कोस्टल आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं उसमें है, जिसमें श्रीकाकुलम विजयनगरम वगैरह, और जैसे उसको थोड़ा सा आगे चला जाता है तो फिर तो ओडिशा शुरू हो जाता है जिसमें गोपालपुर, गंजम, गजापति, पुरी, पारादीप, ये होते हुए ये रात को ही इस ऐसे वहां पे वेदर होना शुरू हो जाएगा तेज हवा से साथ, और कल सुबह जब उड़ीसा तट को स्ट्राइक करेगा उसके बाद ये लगभग 6-8 घंटे तो उड़ीसा में ही लगातार उसके पैरेलल के कोस अंदर चलता रहेगा। उसके बाद इसके बाद दोपहर, देर दोपहर के बाद शाम को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने का ऐसा अनुमान है। अच्छा। जिसमें कि ये वहां से होते हुए जैसे मिदनापुर, बर्दवान, ये अच्छी एरिया, इवन कलकत्ता भी इससे ज्यादा दूर नहीं रहेगा, उसके दाहिनी तरफ रहेगा, पर कलकत्ता होते हुए जो मेन जगह हैं जैसे हुगली, हावड़ा, कोलकाता, 24 परगना, ये सभी क्षेत्र, मिदनापुर और ये सभी क्षेत्र जो हैं ये इसकी चपेट में रहेंगे। हालांकि क्या बिहार में भी कोई इम्पैक्ट हो रहा है, बिहार यूपी में? बिहार झारखंड यूपी में वर्षा होगी, हमें कोई इतनी घबराने की जरूरत नहीं है उन स्थानों पर कि बहुत तेज हवा आएगी या कुछ ऐसा होगा। नहीं, शर्मा जी एक बात आप बताएं हमारे दर्शकों को कि देखिए जरा, अब अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में अगर हम आप थोड़ा और डिटेल में जाकर बता पाएं कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी ऐसी जगह होगी जहां के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, वहां पर खतरा ज्यादा है? मैंने जैसे बताया जो पश्चिम बंगाल में जगह है, मिदनापुर से लेके, ठीक है, मिदनापुर, बर्दवान और कोलकाता, हुगली, हावड़ा, नॉर्थ एंड साउथ दोनों 24 परगना, और कुछ हद तक तो इवन जब हम और आगे की तरफ बढ़े तो जैसे मालदा, बांकुरा तक भी इसका असर रहेगा। अच्छा। पर क्योंकि ये जैसे जैसे ज्यादा उत्तर में जाएगा तो उसकी उसके हवा में तो कमी जरूर आ जाएगी। ठीक बात है। अब तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार और झारखंड के लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पर तेज बारिश होगी सिर्फ, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, वहाँ पे बरसात होगी, काफी दिनों से वहाँ बरसात नहीं हुई है, बहुत हैवी रेन होने का भी कोई ऐसा नहीं है, पर यह है कि बादल छाए रहेंगे, मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, बिहार में भी होगी, झारखंड में भी होगी, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी बरसात होगी। तो इन सभी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में जब ये स्टॉर्म वहाँ इसके आसपास रहेगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और फिर बांग्लादेश होते हुए आगे जाएगा, तो इन क्षेत्रों में हम आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षेप में शर्मा जी, कि इसके टलने की संभावना कितनी है? कोई संभावना है क्या कि टल जाए, कल दोपहर तक ना आए, कुछ रुख और हो जाए, इसकी संभावना है क्या? जी नहीं, मैं तो इसकी संभावना को जीरो मानूंगा। ऐसी संभावना तभी होती है जबकि समुद्र में स्थिति अनुकूल ना हो, तापमान बहुत तेजी से गिर रहे हो समुद्र की सतह के तापमान, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत गर्म है वहां पे तापमान, 31-32 डिग्री समुद्र की सतह का तापमान है, ऐसा कोई आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे कि ये तूफान जो है कमजोर पड़ जाएगा या नहीं आएगा या आगे नहीं बढ़ेगा या स्कर्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ कोई भी, मैं तो जीरो स्थिति लेके चलूंगा, इसलिए बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। Okay. और काफी हमें अपने ऑल दी मेजर जितने हैं उसको लगाना चाहिए तो नुकसान कम करने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जीपी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरा अपडेट देने के लिए। उधर भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा के लिए रेड वार्निंग जारी की है। पुरी में
ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं, कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। पुरी पहुंचे सभी पर्यटकों को वहां से जाने को कहा गया है। इस बीच सैंड आर्टिस्ट ने पुरी के बीच पर फोनी तूफान को बालू पर उकेरा है और लोगों से डरने के बजाय हौसले से इसका सामना करने और एक दूसरे की मदद करने की अपील की है। यह आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में।